मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे है और एक्सरसाइज है आपका 3.4। इसमें करना क्या है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उसे उसके हल जो है विलोपन विधि से ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व हो, यानी कि उनका अगर अस्तित्व है, उन समीकरणों का अस्तित्व है, तो उसे विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना। तो जब भी दो अंकों वाली संख्या कहेगी ना, तो आपको लिखना होगा कि माना इकाई की संख्या बराबर x, दहाई की संख्या बराबर y, और फिर लिखेंगे दो अंकों की संख्या बराबर में 10y प्लस एक्स। अब सोच रहे होंगे कि सर ये 10y प्लस एक्स क्यों लिखे। सिंपल आप समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 52 है, तो इसको आप 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 10 गुना 5 प्लस 2। अब इसमें ये 2 होता क्या है, इकाई होता है, और 5 क्या होता है, दहाई होता है। ये आपका इकाई है और ये आपका दहाई है। तो यहां जो लिखे हैं, देखिए 10 गुना ये दहाई है और ये इकाई है, तो यहां भी देखिए y दहाई है और x इकाई है, इसीलिए यहां ये 10 आ रहा है। समझ गया, ऐसे क्लियर हो गया। अब देखिए यहां प्रश्न से क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या कि अंकों का योग 9 है, तो अंक कौन कौन से हैं, उसमें इकाई है और दहाई है, तो दोनों का योग कितना दिया है, 9। ये पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किसका, जो दो अंकों वाली संख्या है उसका 9 गुना, यानी कि 10y प्लस एक्स का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अच्छा, अंकों को पलटने यानी इकाई की जगह पे दहाई और दहाई की जगह पे इकाई करने पे, यानी हो जाएगा 10x प्लस वाई। समझ गए, इकाई दहाई की जगह चला गया और दहाई इकाई की जगह, तो अंक पलट गए, से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसके 2 गुना के बराबर है इसका 9 गुना। संख्या का 9 गुना जो है अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो चलिए बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करके दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे, 90y प्लस में 9x बराबर में 20x और यहाँ पे प्लस का 2y। चलिए एक तरफ करते हैं सबको, तो 90y प्लस में 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर में 0, यानी यहां से हो जाएगा, देखिए ये वाला x वाला जाएगा माइनस का 11x, अच्छा इसमें से इसको घटा देंगे, प्लस का 88y बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 11 कॉमन कर ले, क्या एक्स माइनस 11 8 88 बराबर 0, ये चल जाएगा उधर, बच जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर में 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समझ गए, अब देखिए दोनों के तो x के गुणांक सेम ही है ना, तो करना क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से x y का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग विलोपन विधि से ना बनाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 9 पहला समीकरण है, और दूसरा है आपका x माइनस 8y बराबर 0। चलिए यहाँ पे साइन बदलना होगा तभी ना x वाला कटेगा, माइनस प्लस माइनस ये आपका कट गया। यहाँ देखिए यहाँ ये माइनस आ चुका है, यहाँ प्लस आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 9y बराबर में 9, यानी कि y बराबर जाएगा 9/9, कट के आ गया 1, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 9, y का मान यहाँ 1 रख देते हैं, यानी x प्लस 1 बराबर 9, यानी x बराबर आ जाएगा 9 में से 1 घटा दीजिए 8, तो आपको निकालनी है दो अंकों की संख्या ना, इसलिए दो अंकों की संख्या क्या थी आपकी, 10y प्लस x, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं 10y प्लस x का, तो y और x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 10
y की जगह आया है एक और x की जगह आया है आठ, तो 10 से कम 10 और प्लस 8, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 18। दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। चलिए अगला